Uh, उनका मज़हब क्या है और वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कि उनके रसमात और रिहाइश के जो मैनर्स हैं जो अदब आदाब हैं वो क्या हैं सो रिलिजन एंड कल्चरल आइडेंटिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि यही आपको जब एडल्ट बनते हैं तो एक पूरी कम्युनिटी की बिलोंगिंगनेस को ओन करना और ये एक माशरे का हिस्सा होना कल्चर के बेसिस पे ही है सो ऑल ट्रेडिशन शुड बी अप्रोच्ड विद रेस्पेक्ट देखिए अपने कल्चर के बारे में एक आ, उसकी रेस्पेक्ट आ, सबसे पहले पैदा की जाती है फिर ही आप दूसरे कल्चर्स की रेस्पेक्ट भी करना जानते हैं और अपने कल्चर की रेस्पेक्ट अगर बच्चों में शुरू से पैदा की जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो दूसरे कल्चर से आ, मुतासर कम होते हैं ठीक है क्योंकि हर जनरेशन जो है वो ये चाहती है कि उसके अदब आदाब मैनरिज़म और उनका जो फेथ है जो कल्चर है वो अगली नस्लों में मुंतकिल हो तो बेहतर यह है कि आज उनको इस चीज़ की अहमियत का एहसास दिलाया जाएगा उनके साथ मिल के चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाएगा तो फिर ही वो इसकी इज्जत जो है वो सही तरह से पा सकते हैं देन एवॉड एनी इम्प्लिकेशनस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नतज खतरनाक हो सकते हैं तो शुरू से ही बच्चों के अंदर कल्चरल वैल्यूज का डिवेलप करना बहुत ज़रूरी है सो फैमिली लाइफ एंड द रेजिंग ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी इंफ्लुंस बाई पेरेंट्स रिलीज़स फेथ एंड बाय पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स आइडेंटिटी बाई फेथ इज़ ऑफन इंटरमिंगल्ड विद एथनिक ग्रुप्स एंड कल्चर ट्रेडिशंस अब देखिए हम जिस दायरे में रह रहे हैं वो uh, मुख्तलिफ़ दायरे हैं सबसे पहला हमारा फैमिली का दायरा है फिर हमारी नेबरहुड का दायरा है स्कूल्स का फिर हमारा कंट्री है और फिर ओवरऑल पूरी जो वर्ल्ड है जिसको हम ग्लोबल विलेज कह सकते हैं वो पूरी अब कल्चर पहले इतना हमसे चीज़ें दूर कि अब वो दूरी ख़त्म हो चुकी है और लोग एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए हैं क्योंकि हम एक दूसरे को हर जगह पे सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे एक दूसरे को देख सकते हैं तो ये जो हमारा सर्कल्स हैं डिफरेंट वो कहीं ना कहीं इंटरमिंगल ज़रूर होते हैं ऐसी सूरत में हम ये देखते हैं कि जो हमारा फेथ है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है यानी दूसरे लफ्ज़ों में लोग जो हैं वो रिलीजन को पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाद में अपने कंट्री को और बाद में बाकी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यानी दूसरे लफ्ज़ों में रिलीजन सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है जैसे हम अक्सर ये कहते हैं कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं फिर हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद फिर हम अगर किसी कबीले से किसी जात से ताल्लुक रखते हैं तो हम उसकी बात करते हैं क्योंकि इंसान हमेशा ग्रुप्स में रहता है वो सोशल बींग है और उसको बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत है अब अर्ज़ ये करना है कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप बच्चों को कल्चर की अपने कल्चर की रेस्पेक्ट देंगे तो जो आपके कल्चर या नॉम के दायरे में जो जो लोग आते हैं उनको भी बराबर की रेस्पेक्ट दी जाएगी और फिर उसके बाद जो आपके दायरे से बाहर दूसरे कल्चर्स हैं उनको भी इक्वली रेस्पेक्ट देना उनको सिखाएंगे कि जैसा आपकी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ऐसे ही दूसरों के लिए उनकी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं तो ये सारे अदब आदाब हमें बच्चों में शुरू के इब्ताई दिनों से पैदा करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं छोटी छोटी जो तकरीबात हैं वो घरों में और स्कूलों में बच्चों के साथ की जाती हैं जैसे अगर हम मुस्लिम्स हैं तो हमें मुसलमानों से रिलेटेड जो ईद की खुशियां हैं वो बच्चों के साथ बांटनी हैं ईद के छोटा सा फंक्शन रखेंगे उसमें बच्चे अच्छी -ची अच्छी चीज़ें परफॉर्म करेंगे अपने साथियों को गिफ्ट देंगे और उन लोगों को ख़ास तौर पर जिनको थोड़ा सा वो सोशियो इकनोमिकली वीक होंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे इसी तरह जो आपके ऐसी तकरीबा भी आपके स्कूलों में की जाएंगी जहाँ पे पाकिस्तान के बारे में उनको मुहब्बल वतनी का जो दस दिया जाएगा छोटे छोटे स्किट्स के ज़रिए छोटी छोटी स्टोरीज़ के ज़रिए तस्वीरों के ज़रिए कुछ छोटे प्रोजेक्ट बनाने के भाई आपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट बनाने हैं आप कुछ तस्वीरें इकट्ठी करें फिर उनको एक आ, किसी तस, जगह पे चप्पां करें और फिर या उसकी कोई गैलरी वॉक रख लें या और छोटे छोटे आइटम्स आप ऐसे इकट्ठे करें कुछ सिक्के जमा करना टिकट जमा करना छोटे प्रोजेक्ट ऐसे जो बच्चों की दिलचस्पी के भी हों और उससे उनको अपने मुल्क और अपने कल्चर की अहमियत का भी एहसास हो फिर जैसे कल्चर में हम समझते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के आपने अक्सर स्कूलों में देखा भी होगा इसके ऊपर होती भी है बड़ी कोशिश कि बच्चे सूबों के बच्चे मुख्तलिफ़ों के ड्रेसिस पहनते हैं एक साथ पेश होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और पाकिस्तान के बारे में या अपने इलाकों के बारे में तारुफ करवाते हैं तो वहाँ भी उनके अंदर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पैदा किया जा सकता है और उनको एक दूसरे से फेमिलियर कराया जाता है असल चीज़ तो फेमिलियरिज्म है ना कि आप अपने साथ अपने ग्रुप से और अपने जैसे ग्रुप से फेमिलियर होंगे अपनी भी रेस्पेक्ट चाहेंगे और दूसरों की भी रेस्पेक्ट करेंगे तो इक्वालिटी का दर्ज जहाँ से दिया जाएगा अब देखिए जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे लिए इक्वालिटी में जो डाइवर्सिटीज बनती हैं वो फेथ के बेसिस पे हैं आपके इलाके के बेसिस आपके कंट्री के बेसिस पे हैं और फिर विद इन कंट्रीज आपके ग्रुप के बेसिस पे हैं तो हमें इन तीनों को उनकी अहमियत को समझते हुए जो इनके अंदर डिफरेंसेस हैं उनको मिटिगेट करना है जैसे ये कि सब मुसलमान एक जैसे हैं सब पाकिस्तानियों के बराबर हकूक हैं और ये कि जो आपके ग्रुप के लोग हैं वो सारे भी एक जैसे हकूक़ व फ़राइज रखते हैं